हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो डबलिंग है, डबलिंग की क्या कुछ रूल है, डबलिंग क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि एक्सरसाइजेस को किस तरीके से सॉल्व करें। तो जो हमारी एक्सरसाइजेज होती है, जो ये हमारी जैसे कि एक्सरसाइजेज है, जैसे कि 121 एक्सरसाइज है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इस जो बुक है, जो हमारी ये बुक है न्यू ईरा पिटमैन की, ये वाली जो बुक है इसी की आती है एक। और ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में ही सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप की होती है, क्या उसकी इमेज है। आप उसको भी मार्केट से बाय कर सकते हैं। और इसकी जो इमेज है आज फिर आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप इसकी की खरीद लीजिए। इस टाइप की होती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये जो है, आप अगर मार्केट में जहाँ पर आपको ये न्यू इरा पिटमैन की बुक जहाँ से आप खरीदेंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आई थिंक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगी ये बुक्स, और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप जहाँ से बाय करते हैं वहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि पिटमैन न्यू इरा की दे दो, जिसके अंदर आपको ये सभी की सभी एक्सरसाइजेज, जो एक्सरसाइजेज आपकी इस मेन बुक के अंदर स्टेनो में है, जैसे कि ये वाले है स्टेनो में है, तो वहाँ पर ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका मिलेगा। और जैसे कि ये बुक है, सॉरी, जैसे कि ये वाले एक्सरसाइज है 122, यहाँ पर इस मेन बुक के अंदर ये जो एक्सरसाइजेज है इंग्लिश में है, तो जो हमारी की होगी उसके अंदर इसका जो ट्रांसलेशन आपको स्टेनो में मिलेगा। यानी कि अगर आपको कोई वर्ड रहता है, छूट जाता है, या आपके माइंड में नहीं आ पाता, या आपको रीडिंग में किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप दोनों चीज़ों को मैच करके और उन दोनों चीज़ों को रिलेट करके अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर आपके पास लाइक ये वाली जो एक्सरसाइजेज है इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस इस टाइप की एक्सरसाइजेस को देखकर करनी है। आप इसीलिए सबसे पहले आप अपनी जो की है की को खरीद लीजिए, ताकि आप उसके अंदर से अपनी अच्छे से एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर पाएँ। आपको सबसे पहले जो ये एक्सरसाइजेज हैं इसको देखकर, इन एक्सरसाइजेस को देखकर आपको लिखना है स्टेनो लैंग्वेज में अपने ही हाथ से। जैसे कि यहाँ पर ये वाले एक्सरसाइजेज हैं, इसको आपको यहाँ पर लिखना है, और फिर आपको इस जो आपने ट्रांसलेशन लिखी है इसको आपको रीड करना है, फिर आपको अगेन इसमें से देखकर आपको लिखना है और फिर रीड करना है। सेम इसी तरीके से आपको 15 या आपको मिनिमम 10 टाइम इनकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको देखकर लिखना है और फिर अपनी लैंग्वेज को आपको रीड करना है जो आपने लिखी है। और उसके बाद अगर आपके पास 3-4 एक्सरसाइजेज आप एक साथ इकट्ठी करते, तो देन उसको ही देखकर आपको टाइप करना है। और इस टाइप की जो भी आपको प्रैक्टिस का मेथड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप ये सभी वीडियोस भी अगर आपकी मिस हैं, आपने नहीं देखी हैं, तो जो आप चैनल पर विजिट करें, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको स्टेनो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करके सभी स्टेनो से रिलेटेड गाइडेंस हैं या मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करें सभी रूल्स के साथ, और सभी पूरा का पूरा कोर्स आपको एंड में मिलेगा। आप वहां से इसको वॉच करके अपने कोर्स को कंटिन्यू सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सीखते हैं यहाँ पर डबलिंग की, डबलिंग का क्या रूल है। अब ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रोक्स दिख रहे हैं ये डबल दिख रहे हैं, यानी कि जो इनकी लेंथ है, जो हमारे मेन स्ट्रोक होते हैं, नॉर्मल जो स्ट्रोक होते हैं उनकी लेंथ हाफ होती है इनसे। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि नॉर्मल स्ट्रोक कैसे बनते हैं, हाविंग हाविंग में जो हमारा एक स्ट्रोक होता है उसका हाफ बनता है, डबलिंग में जो हमारा मेन स्ट्रोक होता है, मेन स्ट्रोक की जितनी लेंथ होती है उसका ही डबल हो जाता है उस लेंथ का। क्लियर? तो ये आपका डबलिंग कब यूज होती है, डबलिंग की क्या कुछ रूल है। अगर कभी भी किसी स्ट्रोक के एंड में TR, DR और THR आता है, देन हम उस स्ट्रोक को डबल कर देंगे। जैसे कि आफ्टर, आफ्टर में अब यहां पर आफ्टर फ की साउंड आ रही है, तो जो मेन स्ट्रोक है हमारा इतना बन गया F तक, ये हो गया हमारा A और F, उसके बाद TR आ रहा है, ये जो साउंड आएंगे आपको TR, DR और THR, आफ्टर टर डर थर, ये जो साउंड आएंगे आपको उसके बाद आपको उस स्ट्रोक का डबल कर देना है। जैसे कि यहां पर आफ्टर है तो यहां तक एफ हो गया, उसके बाद TR की वजह से टर की साउंड आ रही है, देन हम इसका डबलिंग करेंगे, यानी कि जितनी लेंथ हमारी एफ की है उसी स्ट्रोक को हम डबल कर देंगे। जिस स्ट्रोक में जो स्ट्रोक हम लिख रहे हैं,
जिसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रोक है, जैसे कि यहाँ पर एफ का स्ट्रोक है, यहाँ पर एम का स्ट्रोक है, जिस भी जो हमारा मेन स्ट्रोक होगा, स्टार्टिंग का स्ट्रोक जो होगा, उसी को हम डबल करेंगे, यानी कि उसी की लेंथ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अब यहाँ पर फादर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाली साउंड आ रही फादर दर की, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पर THR के लिए कोई हुक लगाएंगे, स्ट्रोक बनाएंगे, नहीं, आपको इस साउंड के लिए कंटिन्यू स्ट्रोक को बड़ा करना है, कंटिन्यू स्ट्रोक की लेंथ जो है डबल कर देनी है जो स्ट्रोक बन रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमारा, जैसे कि और देखते हैं, ये तो सिंगल स्ट्रोक्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए आफ्टरनून, आफ्टर यहाँ तक हमने जैसे स्टार्टिंग में सीखा आफ्टर, तो सेम लाइक यहाँ पर भी आफ्टर में यहाँ तक हमने आफ्टर लिखा, उसके बाद जो हमारा स्ट्रोक आता है या जो साउंड आती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो यहाँ पर डबलिंग है स्टार्टिंग में ही बनाएंगे, मिड में बनाएंगे, एंडिंग में बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आपको जो साउंड सुनाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी डबलिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग में सर्कल है सेंट्रल, तो इस टाइप के स्ट्रोक में भी चाहे हमारा कोई हुक आता है या फिर हमारा कोई भी स्टार्टिंग में इस टाइप में सर्कल आता है, वहां पर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ साउंड ध्यान रखने की TR DR और THR, टर डर और थर की अगर कभी साउंड आती है तो हमें उसे डबलिंग करना है, सेम लाइक सेंट्रल सिस्टर। ठीक है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल इसी चीज से रिलेटेड हैं। अब बाकी यहाँ पर और ये देखिए, जैसे कि कैलेंडर है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग का जो एग्जाम्पल, सॉरी स्टार्टिंग का जो हमारा स्ट्रोक है कैलेंडर का, उसके बाद एल जो हमारा स्ट्रोक बन रहा है, ऐसा नहीं कि आप जो स्टार्टिंग में ये हमारा यहाँ पर ये जो स्ट्रोक है जैसे कि कैलेंडर का, यहाँ पर लास्ट में आपको डियर की साउंड आ रही है तो इसी को डबल कर देंगे, नहीं, हमें जो मेन स्ट्रोक्स हैं उन स्ट्रोक्स को लिखना होगा। यहाँ पर जैसे देखिए क की यहाँ पर मेन स्ट्रोक है, अगर हम यहाँ पर एल को नहीं बनाएंगे तो हम इस वर्ड को या फिर इस स्ट्रोक को हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो मेन स्ट्रोक है उसको भी हम लिखेंगे जैसे कि क, उसके बाद एल है और DR की वजह से एल को ही हमने डबल कर दिया। सेम लाइक यहाँ पर देखिए रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर R और M दो यहाँ पर मेन स्ट्रोक है, हमें R को लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी R का जो स्ट्रोक है इसको लिखे बिना हम समझ नहीं पाएंगे, और M को भी लिखना जरूरी है क्योंकि अगर हम डबलिंग करेंगे तो M के साथ इसकी डबलिंग करेंगे, ना कि हम R की डबलिंग कर देंगे जैसा कि मैंने इसमें बताया। तो सेम लाइक जो हमारे मेन स्ट्रोक्स हैं उनको हम लिखेंगे, और जो एंड वाला स्ट्रोक है यानी कि जिस भी स्ट्रोक के साथ, एंड इन द सेंस जिस स्ट्रोक के साथ जो साउंड आएगी TR DR और THR की जो साउंड आएगी उसी स्ट्रोक को हम डबल कर देंगे। तो ये थे हमारे डबल स्ट्रोक्स के, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सिंगल स्ट्रोक से ही, तो इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ ही सर्कल, यहाँ पर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर आउट करने के लिए, कि यहाँ पर बताया गया स्ट्रोक एल स्टैंडिंग अलोंग्स और विद ओनली अ फाइनल एस सर्कल इज डबल टू एड TR ओनली। यहाँ पर बताया गया कि देखिए यहाँ पर लेटर, लेटर का यहाँ पर क्या किया है, डबलिंग की गई है, टर की साउंड आ रही है, बट यहाँ पर क्या किया गया है कि लीडर, यहाँ पर हमने डर की वजह से इसको, यहाँ पर जो DR की साउंड है इसकी वजह से हमने इसकी डबलिंग नहीं की। हमने डबलिंग क्यों नहीं की, अब आप यहाँ पर जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं उनके कंपैरिजन में जब आप इनकी डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर इनको पढ़ के देखेंगे तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि इनमें क्या डिफ्रेंशिएट है। यानी कि अगर इनके बीच में कंटिन्यू साउंड आती है, कंटिन्यू आपको वर्ड सुनाई देता है जैसे कि लेटर, यहाँ पर कुछ और आपको नहीं लग रहा, लग रहा नहीं कि सिंगल स्ट्रोक है तो हमें इसको सिंगल बनाना है। अब यहाँ पर देखिए लीडर, अगर ये आप यहाँ पर लीडर, लीडर के लिए अब यहाँ पर कहाँ पर आप वॉवल लगाएंगे, कहाँ पर आप अपना आर का हुक लगाएंगे, ठीक है, इसलिए ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर दोनों में देखिए बट का जो है यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया गया है कि बट जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिसके अंदर हम यहाँ पर डबलिंग नहीं करेंगे। अब और देखिए एग्जाम्पल जैसे कि ओल्डर, ओल्डर, अब इसमें भी हमने डबलिंग नहीं की। तो जैसे कि अगर हमारा कोई एस सर्कल आता है, एस सर्कल अगर आता है तो जरूरी है, जरूरी नहीं कि हम वहां पर डबलिंग करें या फिर डबलिंग नहीं करें, हमें अपनी कंफर्ट देखना है, कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम उस स्ट्रोक को बनाएंगे। जैसे कि लेटर्स, लेटर और लेटर्स,
अब यहाँ पर एस का सर्कल नहीं बनाएंगे, सॉरी हम यहाँ पर एस का स्ट्रोक नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर सर्कल ही बनाएंगे। तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सर्कल आ रहा है, हुक आ रहा है, क्या आ रहा है। आपको अगर साउंड सुनाई देती है तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक को बनाइए। आई होप फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइजेज है, 123 सेम लाइक आपको इसकी की के अंदर से प्रैक्टिस करनी है। कुछ वर्ड नहीं आता तो आप यहाँ से उसके ट्रांसलेशन देख सकते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। और जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है तो आप इस तरीके से उनको हाईलाइट करके उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अलग से कॉपी बनाकर उन वर्ड्स को नोट डाउन करिए विद स्पेलिंग, उन वर्ड्स को डे बाई डे उनकी प्रैक्टिस करिए। तो हमें जो एक्सरसाइजेज है 124 तक हमारी एक्सरसाइज की हमें प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो रूल है नेक्स्ट रूल सीखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको कोड समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको किस टाइप की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी टाइप की आपको स्टेनो से रिलेटेड क्या वीडियो चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू डिस्कस करके और मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।